गर्भवती स्त्री के हाथ के हथेलियों से आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भवती ने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। जैसे ही कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमें क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। आज के इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ और आपके हाथ के हथेलियों से आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को कंसीव किया है। सुनने में थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सटीक और ख़ास सिम्टम्स है जो मैंने खुद की अपने प्रेगनेंसी जर्नी में इससे बहुत ही सटीक देखा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करती हूँ जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और कुछ बड़े बुजुर्गों का अनुभव होता है। इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट हाँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी तो शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप गर्भवती हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, जो है हाथ के हथेलियाँ। इसमें नोटिस करने वाली बात दो है कि प्रेगनेंसी से पहले आपकी हाथ की हथेलियाँ कैसे थी, और जैसे ही आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद कैसा है। दोनों में आपको यानी कि डिफरेंट देखना है, जिससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। मान लेते हैं प्रेगनेंसी से पहले आपका हाथ जो था बहुत ज़्यादा चिकना था, काफ़ी खूबसूरत था, अच्छा था। जैसे ही आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, हाथ की हथेलियाँ रुखापन आ गया है, फटने लगा है, यानी कि रुखापन ज़्यादा आ गया है हाथ की हथेलियों में, स्किन में, तो यह एक फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बहुत ही ठोस और सटीक लक्षण माना जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। बेबी बॉय के टाइम ये सिम्टम्स बहुत ही तेज़ी से देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम यह है आपका यानी कि स्किन का, हाथ का स्किन का। अगर आपका हाथ या पैर के स्किन ड्राई हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई, तो सबसे पहले एक कारण मैं बताती हूँ कि ड्राई क्यों होता है। एक तो आप पानी कम पीते होंगे, इसके वजह से ड्राई हो सकता है। दूसरी बात ये कैल्शियम की कमी होने से भी होता है। तीसरी बात ये भी है कि अगर आपका मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा धूल वगैरह कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिसके वजह से होने लगता है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आपका स्किन ड्राई हो रहा है, तो यह एक लड़का होने का बहुत ही ठोस और सटीक निशानी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं, वह यह है कि अगर गर्भवती स्त्री का मतलब चेहरे का जो स्किन है, चेहरे का भी स्किन का हम बात करते हैं, फेस का स्किन अगर ड्राई हो रहा है, समझ लीजिए पूरे बॉडी का अगर स्किन आपको ड्राई हो रहा है, बहुत ज़्यादा इचिंग इचिंग लग रहा है, मतलब हल्की फुल्की खुजली भी आ रही है, तो यह एक बेटा होने का बहुत ही सटीक और ठोस निशानी मानी जाती है जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान दिखने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी आसान हुई होगी और काफ़ी सारे सिम्टम्स आपको सीखने को मिले होंगे। तो आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो शेयर कर सकूँ। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबा, टेक केयर, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि माँ बनने का जब आपको सौभाग्य मिला है तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप इंजॉय कीजिए।